प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। आई रिक्वेस्ट मिस्टर जावडेकर जी टू काइंडली स्टार्ट द ब्रीफिंग प्लीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई, जिसमें तीन महत्वपूर्ण फैसले हुए और एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। कोरोना के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी सरकार ने लिया है। आपको जैसे मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तुलना में भारत ने कोरोना के खिलाफ एक सफल लड़ाई लड़ी है और अन्य अनेक देशों की तुलना में कम नुकसान हुआ है। दूसरी ये भी बात आपको मालूम है कि 16 जनवरी से वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत हुई है। आज तक 1,07,67,000 लोगों को टीकाकरण हुआ है, दुनिया में सबसे तेज हुआ है और प्रैक्टिकली बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर में कंप्लेंट आई नहीं आई कहीं भी, और 14 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दिया गया है। यह हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया गया और उसका सारा खर्चा भारत सरकार ने उठाया, लोगों को यह मुफ्त दिया गया। अब अगली बारी, लोगों की उम्मीद थी, वैसे ही सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में यह टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक हॉस्पिटल्स इनसे चर्चा करके ये भारत सरकार 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से, और सरकारी केंद्रों में मुफ्त होगा। प्राइवेट में जो लेंगे उनको शुल्क देना पड़ेगा। यही एक मुद्दा महत्वपूर्ण था। दूसरा, पुदुचेरी में जैसा आपको पता है कि वहां सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायक पार्टी से बाहर आए तो वहां के मुख्यमंत्री नारायण सामी ने इस्तीफा दिया और किसी ने सरकार स्थापना का दावा भी नहीं किया। इसलिए राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 239
read with section 51 of UT Act, Union Territories Act. उन्होंने असेंबली के सस्पेंशन का सिफारिश की. आज इस सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दी और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वहाँ की असेंबली डिसॉल्व होगी. और जैसे आपको मालूम है, एक सप्ताह में लगभग कब आएगा तो अभी चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट बहुत जल्दी आने वाला है. बाद में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट ही लगता है, तो उसमें सरकार वैसे भी ये नहीं होता, तो चुनाव में से ही अब नतीजे आएंगे और निर्णय आएगा. और इसलिए उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेजेस है, जो स्टेप्स है, वो उठाए जाएंगे.